हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। आज के शो में अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला से खुसूसी गुफ्तगू और क्या पाकिस्तान और भारत के मफादात अफगानिस्तान में अमन की राह में रुकावट बनते रहेंगे। प्रोग्राम में हम आपके लिए और क्या कुछ लेकर आए हैं, देखते हैं उसकी एक झलक। यह वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अमरीकी वजीर खारजा रोहिंग्या बहरान का क्या हल देख रहे हैं? ऑटिज्म में मुब्तिला एक बच्चे की माँ का मिशन। माय डे टू डे लाइफ विद ह्यूगो इज इनक्रेडिबली टैक्सिंग। और पाकिस्तानी ऑर्केस्ट्रा जो बना रहा है अमेरिका में फैंस। अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला वाशिंगटन के दौरे पर हैं, जहां वो आला अमरीकी अहदेदारों से मुलाकातें कर रहे हैं और मुख्तलिफ फोरम्स पर अफगानिस्तान के मसले के हवाले से बात भी कर रहे हैं। हमारे साथी शबा शाह खान इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्हें वाशिंगटन में डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला से खुसूसी गुफ्तगू करने का मौका मिला। शबा, मौजूदा सूरत हाल में अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में डॉक्टर अब्दुल्ला का क्या कहना था? जी साहब, अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला अब्दुल्ला से जब मैंने पूछा कि वो अफगानिस्तान के मसले का क्या हल देखते हैं, तो उनका कहना था कि ताकत और मुज़ाकरात दोनों ही रास्ते जरूरी हैं। आइए देखते हैं। इस मसले की दो साइड्स हैं। एक तो वो ग्रुप्स जो अमन पर यकीन नहीं रखते और हमारे लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी और तशद्दुद इस्तेमाल करते हैं, तो हमें अपने लोगों का दिफा फौज के जरिए करना होगा। लेकिन इसके साथ ही हमने मज़ाकरात के दरवाजे भी बंद नहीं किए और इस सिलसिले में हमारा सियासी अज़्म मजबूत है, लेकिन ये यकतरफा नहीं हो सकता। हाल ही में पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल महमूद हयात ने कहा कि जिन मुल्कों की अफगानिस्तान के साथ सरहद नहीं मिलते उन्हें अहम किरदार देना नुकसानदेह होगा। उनका इशारा भारत की तरफ था। अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने इस पर कमेंट किए बगैर मेरे सवाल के जवाब में कहा कि अफगानिस्तान को हक हासिल है कि वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करे। आइए देखते हैं। No right of veto for any country to decide about our relations based on our national interest with other countries. किसी मुल्क को भी वीटो का हक नहीं कि वो हमारे ताल्लुकात का फैसला करे। दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात में हम अपने कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हैं। दहशतगर्दों को हमारी पनाह हासिल नहीं है कि वो हमारी तरफ से किसी और मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करें। मसलन TTP, ये हमारी बनाई हुई तंजीम नहीं है, ये कहीं और बनी थी, लेकिन अब वो उन इलाकों में जहाँ तालिबान मौजूद है वहाँ से कार्रवाई करके माहौल खराब कर रही है। इन्हें हमारी पुष्ट पनाही हासिल नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जो मुल्क मुख्तलिफ तरीकों से अफगानिस्तान में इस्तेहकाम लाने में मदद कर सकते हैं, अफगानिस्तान उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन इस सिलसिले में कुछ मुल्क संजीदा हैं और कुछ नहीं। जी साकिब। शबा शाह खान हमें अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अब्दुल्ला के दौरे वाशिंगटन के दौरान उनसे गुफ्तगू के बारे में बता रही थी। थैंक यू शबा। और सदर डोनाल्ड ट्रंप की अफगान पॉलिसी आए तकरीबन 3 माह हो चुके हैं, क्या खत्ते में कोई तब्दीली नजर आ रही है या आएगी जल्द? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी के बानी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विलियम गुडफेलो। मिस्टर गुडफेलो, ऑलवेज वेलकम टू व्यू 360। वी लाइक हैविंग यू। वी हैव गुड इनसाइट एंड अ हैंडल ऑन थिंग्स दैट आर हैपनिंग देयर। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला इज इन वॉशिंगटन DC। वन ऑफ द थिंग्स ही आल्सो सेड व्हेन ही विजिटेड वॉइस ऑफ अमेरिका वाज दैट पाकिस्तान नीड्स टू एक्सेप्ट ग्राउंड रियलिटीज, एंड वन ऑफ दोज रियलिटीज इज इंडियाज रोल। We saw that right now a shipment of wheat from India went to Afghanistan through Iran. So there are forces that are working together. Does Pakistan realize at this point, looking at the rhetoric that's coming out of Pakistan, does it look like to Washington that Pakistan is accepting ground realities or no? Well, I'm no expert on you. You're in Pakistan. I'm not. But India will play a role, and I think the opening of the port through southern Iran, I think, is important, and it removes a certain leverage that Pakistan has. But Pakistan, India is important, but Pakistan, there will be no peace in Afghanistan without Pakistan. Pakistan is key.
and remains key. How much clout do you think Pakistan has? A huge amount of clout. Mm-hmm. More so than India? Much more so than India, just because of proximity. Mm-hmm. India is important. India's made a $1 billion commitment. But Pakistan, because of proximity, there's no question Pakistan is the key player. Mm-hmm. Without Pakistan, there will be no peace in Afghanistan. Mm-hmm. So, agarche Pakistan ko Bharat ke kirdaar ke baare mein tashweesh hai, lekin Pakistan ka bahut ahem kirdaar hai. Wahan pe Bharat ne jo $1 arab ki investment ki commitment ki hui hai, uski apni ahmiyat hai. Bharat ka role bahut ahem hai, lekin Pakistan ka William Goodfellow ki nazar mein usse bhi zyada. So, the rhetoric being exchanged between India and Pakistan, it's still going pretty intensely. The military, high-ranking military officer in Pakistan said that giving more control to countries that don't have a border with Afghanistan is not going to bode well. Looking at this situation, how much patience do you think the Trump administration is going to have if they see that India and Pakistan continue to spar each other in a public manner when the U.S. needs more cooperation from both in Afghanistan? The U.S. doesn't have many alternatives. I think that's part of the problem. I actually am encouraged. I think that there are signs both within the Trump administration and in the region, and particularly in Afghanistan, that they're getting much more serious about peace talks. This war has to be resolved through a negotiated settlement. The Trump administration is now talking about that. I was very encouraged that Dr. Abdullah Abdullah says the Taliban have to have a seat at the peace table, and he, the Northern Alliance, which is roughly backed by Russia and India, has effectively a veto over any settlement. And he, the fact that he is now speaking, he spoke here in Washington on Tuesday, mm-hmm. positively about a peace settlement and involving the Taliban, I think that's really important. So, jo jahan tak muzakirat ki mez pe Taliban ko lane ki baat Dr. Abdullah Abdullah kar rahe hain, Goodfellow ka kehna hai ki wo ek acha sign hai, kyunki jo Northern Alliance hai Afghanistan mein, jiski ke Bharat aur Rus ke saath taluqat hain, wo bhi is process ko control karta hai, to Taliban ko support karna ke wo muzakirat ki mez par aaye ek achi ek khushaind peshraft hai. Lekin jahan tak Washington ke patience ki baat hai ki Bharat aur Pakistan ke darmiyan jo tanav hai usme wo kitna patience ka izhar karta hai, uske bare mein William Goodfellow ka kehna hai ki America ke paas koi bahut zyada options nahi hai. Talking about a little bit more about the US and Pakistan relationship, recently we saw that the Defense Authorization Act over here for 2018, it had two key developments in it. One was that $350 million for coalition support fund have been put in that bill for Pakistan. But they have also been made contingent with the certification that Pakistan is doing enough to counter Haqqani network. Another thing we saw was that Lashkar-e-Tayyiba was removed. Their name was removed from this act. So, putting some money for Pakistan, getting Lashkar-e-Tayyiba out of the bill, what kind of a signal does this send? In fact, there's 700 million, there's 350 million that was held contingent upon cooperation. Correct. And I think, you know, the Haqqani network is targeting Americans. That's what Congress is concerned about. They're less concerned about India. I mean, it's, maybe you could say it's America first, I don't know, but I think that's the reason that was taken out, and it shows that Pakistan has some leverage. But the key with the Haqqani is that they are targeting our allies in Afghanistan. But by making these little concessions, you think they're trying to, again, I think so. And it was actually done in Congress, so I don't know what the administration had to do with it. I'm sure they were weighed in on it, but it was really Congress that made that decision. But Haqqani is going after Americans and going after our ally, and I think that's the key right there. So ye faisla Congress ka hai ki Pakistan ke liye coalition support funds ki mad mein paise bhi jari kiye jaye, aur uske alawa Lashkar-e-Tayyiba ka jo naam filhal nikala gaya hai is fund mein se, jo defense act hai usme se, to Congress ka chunke ye faisla hai to iski apni jagah badi ahmiyat hai. White House ka usme kuch na kuch contribution hota hai, lekin Congress ne ye paigham William Goodfellow ki nazar mein bheja hai ki unke liye America is waqt bahut ahem hai, aur chunke Haqqani network American jo forces hain aur American interest ko target karta hai, isliye uske khilaf लड़ाई को आगे बढ़ाना इस वक्त ज्यादा जरूरी है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेटो एंड द यूएस, दे हैड अ मीटिंग इन ब्रसेल्स रिसेंटली, एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट केम आउट वाज दैट द टू पार्टीज कुड स्टिल कम अप अबाउट 10% शॉर्ट ऑन ट्रूप डिप्लॉयमेंट इन अफगानिस्तान. लुकिंग एट द सिक्योरिटी सिचुएशन देयर, इवन टुडे देयर वाज अ टेररिस्ट अटैक, डू यू थिंक जस्ट नोइंग the 10% shortfall could occur would embolden Taliban and at this point even ISIS? No, I don't think it has much of an impact. The NATO troops are involved in training.
It's the Afghans and, of course, the Americans who are doing the fighting. So I don't think it'll have any impact on, maybe a long-term impact in terms of training, but I think it's important. The NATO's putting a lot of money and troops in and has a role, but their troops are almost all training, and so I don't think that will have much of an impact on the actual fighting. The Taliban are emboldened as it is, and I still think that the push that the Taliban are making, they're trying to position themselves so that I think everybody knows that ultimately there will be a negotiated settlement. Mm-hmm. And I think the Taliban want to strengthen their position. Mm-hmm. And I think that's a lot of what's going on. And the Americans are very worried that the Ghani government could collapse and everybody leaves on a helicopter. So, you know, there's a real concern. Mm-hmm. The security situation is shaky, but I don't think NATO, the 10% shortfall will have any impact. So NATO ke jo afwaj ki 10% shortfall ho sakti hai Afghanistan mein, wo William Goodfellow ki nazar mein bahut zyada pareshan kun nahi hai, kyunki wo tarbiyati role mein hai. Zyada bada role jahan tak fighting ka hai wo Americans ka hai, aur Americans ko ye khadsha bhi hai ki agar Ghani government strongly nahi khadi ho sakti aur collapse kar jati hai to surat-e-haal mazid bigdegi. Taliban already William Goodfellow ki nazar mein bahut is waqt bold feel kar rahe hain, lekin wo bhi jante hain ki muzakarat का जो अमल है वो इनेविटेबल है, वो होगा ही. सिर्फ वो अपनी पोजीशन इस वक्त बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं और नेटो के ट्रूप्स की तादाद कम होने से कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. मिस्टर गुडफेलो, ऑलवेज ग्रेट टू हैव यू ऑन दिस शो. थैंक यू वेरी मच. दूसरी तरफ अमरीकी सेक्रेटरी खाजा रेक्स टिलरसन ने म्यांमार के पहले दौरे में फौज की सरबराह और आंग सान सूची से मुलाकात की है. सेक्रेटरी टिलरसन ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ मुजालिम की मुसद्दका इत्तलात है और इन इल्जाम की आजादाना तहकीकात हो सकती है. दूसरी जानब इंसानी हकूक के इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में रोहिंग्या कम्यूनिटी की नस्लकुशी और बड़े पैमाने पर रोहिंग्या खवातीन के रेप के शवाहद पेश किए हैं. तफसीलात इस रिपोर्ट में. ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक म्यांमार की अफवाज रोहिंग्या खवातीन बच्चियों और कम्युनिटी को हिरासा करने के लिए जिंसी तशद्दुद का इस्तेमाल कर रही है. औरतों और बच्चियों की एक बड़ी तादाद जिससे मैंने बात की का इज्तिमाई रेप किया गया था और कुछ वाकयात में 9 से 10 अफराद तक मुलविस थे. इन तमाम केसेस में बहुत से फौजी शामिल. ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से जारी की गई वीडियो में बहुत सी रोहिंग्या खवातीन ने अपनी रुदाद बयान की है. मेरी एक छोटी बहन है, हमने भागने की कोशिश की लेकिन कुछ फौजियों ने हमें पकड़ लिया. वो हमें मेरे घर के पीछे ले गए और हमारा रेप किया. मुझे लगा जैसे मैं मर चुकी हूँ. फिर मैं भी ये रिपोर्ट अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन के म्यांमार के पहले दौरे के बाद सामने आई है. उन्होंने नस्ल कुशी का लफ्ज इस्तेमाल करने से तो गुरेज किया लेकिन नस्ली अकलियतों के खिलाफ इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया. अमरीका म्यांमार हुकूमत की जानब से पना गुजीनों को रजाकाराना वापसी की इजाजत देने और रियासत रखाइन के मुशावरती कमीशन की जानब से कयाम अमन के लिए दी जाने वाली तजावीज का खैर मकदम करता है. इनमें माशी बेहतरी और रियासत रखाइन में रहने वाले तमाम अफराद के हकूक का एहतराम शामिल है, बशमूल बेघर अफराद के. ऐसे इकदाम में शफाफियत और रजाकाराना तौर पर शहरियत की राह फराम करना लाजिम है जिससे तमाम फरीकें मुतमईन हों. म्यांमार की सरबराह आंग सान सू की ने उन पर की जाने वाली तनकीद को रद्द किया कि वो रोहिंग्या अफराद के खिलाफ होने वाले मुजालिम पर खामोश हैं. हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रियासत राखाइन में मुख्तलिफ लोग आबाद हैं और अगर उन्हें लंबी मुद्दत के लिए आपस में मिलजुल कर रहना है तो हम अब उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़का नहीं सकते. हम ऐसी बयानबाजी नहीं कर सकते जिससे उनमें खलीज बढ़े, इसलिए हम इस मामले पर कुछ कहने के बारे में मुहतात हैं. सेक्रेटरी टिलरसन ने कहा है कि पूरे मुल्क पर माशी पाबंदियां आयद करना मुनासिब नहीं, लेकिन वो अमरीकी कांग्रेस में जेर बहस पाबंदियों के बिल पर नजर रखेंगे जिसके सूरत में अमरीका म्यांमार की अफवाज की तरबियत और उसके साथ इलाकाई मशकें खत्म कर देगा और उसके साथ कीमती पत्थरों की तजारत पर भी दोबारा पाबंदी आयद करेगा. सिंडी सेन की रिपोर्ट के साथ अमान असर, उर्दू VOA. पना गुजीनों के लिए अकवामे मुत्तहिदा की खुसूसी मंदूब एंजेलिना जोली ने भी कहा है कि वो म्यांमार में रेप का निशाना बनने वाली खवातीन से मुलाकात करने जाएंगी. आज के शो में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी माँ से जिसने अपने बच्चे की बीमारी पर दूसरों के लिए किताब लिखी है और आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तानी मौसीकार किस तरह अमेरिका में धूम मचा रहे हैं. ताज़ा तरीन खबरों और तर्जियों का सिलसिला जारी रहेगा हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर. ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2017 के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, शाम और नाइजीरिया में गुज़िश्ता साल दहशतगर्दी से हलाक होने वालों की कुल तादाद में 33% कमी आई. ये वो मुल्क हैं जो दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर दुनिया भर में दहशतगर्दी के वाकयात कम हुए हैं लेकिन इनका सामना अब पहले से ज्यादा मुल्क कर रहे हैं. कुछ और अहम खबरों की झलकियां आइए देखते हैं वर्ल्ड व्यू में.
लबनान के मुस्ताफी वजीर आजम साद हरीरी के करीबी जराये के मुताबिक अंडर 48 घंटों में वो सऊदी अरब से फ्रांस पहुंच रहे हैं। लबनान के सदर मिशेल औन का कहना है कि इससे लबनान में मौजूद सियासी कशीदगी में कमी आएगी। चीन ने अमरीका की जानिब से रूस के बाद चीनी सहाफियों को गैर मुल्की एजेंट करार देने की सिफारिश की मजम्मत की है। दूसरी जानिब रूस की पार्लियामेंट के ऐवान जरी ने गैर मुल्की मीडिया को रूस में बतौर गैर मुल्की एजेंट रजिस्टर कराने के कानून की मंजूरी दे दी है। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में सैलाब से कम अज कम 15 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर और अमलाक को शदीद नुकसान पहुँचा है। इसे गुज़िश्ता 20 सालों का बदतरीन सैलाब करार दिया जा रहा है। इलाके में मजीद बारिशों की पेशेंगोई की गयी है। लियोनार्डो डा विंची की 500 साल पुरानी पेंटिंग सलवाडोर मुंडी ने आर्ट की दुनिया में नीलामी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पेंटिंग न्यूयॉर्क में $450 मिलियन में फरोख्त हुई। इस पेंटिंग को 1958 में सिर्फ $60 में बेचा गया था। और पिछले एक साल के दौरान खवातीन को अमरीकी सियासत में आगे लाने की कोशिशों में नुमाया इजाफा हुआ है। आइए देखते हैं कि बैलेट बॉक्स पर कामयाबी के लिए खवातीन टेक्नोलॉजी से किस तरह मदद लेना सीख रही है। ये एरन अपचर्च की अपनी इंतखाबी मुहिम की पहली वीडियो है। अपचर्च को सोशल मीडिया पर इस्तेमाल के लिए इस वीडियो क्लिप बनवाने पर कुछ खर्चा नहीं करना पड़ा, क्योंकि इस पर काम करने वाले रजाकार हैं। मसाइल रखने वाले ऐसे लोगों का हमारे लिए तामुन बहुत बड़ी बात है। 2016 के इलेक्शन के बाद मेगन पार्कर वीडियो प्रोडक्शन में अपने तजर्बे को सियासत में तब्दीली लाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। उन्होंने जदीद सोच रखने वाली खवातीन के लिए किसी भी मर्ज के बारे में डॉक्टर और अब तो इंटरनेट से मालूमात हासिल की जा सकती है, लेकिन ऑटिज्म एक ऐसा मर्ज है जिससे मुतासर अफराद की आदत को समझना दूसरों के लिए मुश्किल होता है। बिल्कुल सारा, ऑटिज्म इंसान की समझने और बोलने की सलाहियत मुतासर करता है और आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हर 160 में से एक बच्चा इस मर्ज का शिकार होता है। लड़कियों के मुकाबले में लड़कों में ये मर्ज 5 गुना ज्यादा आम है। आई मिलते हैं एक माँ से जिसने अपने ऑटिस्टिक बच्चे के लिए एक किताब लिखी है ताकि उसके इर्द गिर्द के लोग उसे बेहतर तौर पर समझ सकें। पालतू कुत्ता ह्यूगो अलेक्जेंडर का बेहतरीन दोस्त है। 6 साला ह्यूगो मॉडरेट फंक्शनिंग ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार है। उसकी वालिदा मीशा अलेक्जेंडर कहती हैं कि सबसे मुश्किल मरहला हर सुबह ह्यूगो को घर से बाहर जाने पर आमादा करना है। ह्यूगो के साथ हर रोज की मेरी जिंदगी काफी थका देने वाली है। सिर्फ इसको स्कूल के लिए तैयार करने में ही मैं बुरी तरह थक जाती हूँ। ऑटिज्म में मुब्तला बच्चे की माँ होने के नाते मीशा को हमेशा ये महसूस होता है कि उन्हें दूसरे बच्चों और टीचर्स को अपने बेटे के बारे में वजाहत से बताना चाहिए। जब ह्यूगो प्री स्कूल में था तो मैंने दूसरे बच्चों और उनके खानदान वालों को इसकी हालत से आगाह करने के लिए पैम्फलेट्स बनाकर जहाँ मुमकिन हो सकता था वहाँ रखे। जब ह्यूगो ने एलिमेंट्री स्कूल जाना शुरू किया तो मीशा को महसूस हुआ कि अब उन्हें पहले से भी ज्यादा लोगों को ऑटिज्म से मुतालिक बताने की जरूरत है ताकि वो ऐसे अफराद की मुश्किलात को बेहतर समझ सकें। और उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मुझे एक किताब लिखनी चाहिए जो ऑटिज्म के शिकार बच्चों और ऐसे बच्चों के दरमियान खला को पुर कर सके जो इस बीमारी को नहीं समझ सकते। मीशा अलेक्जेंडर ने फर्गूस और दलाइला नामी किताब लिखी जो ऐसे बच्चे के बारे में है जो दूसरों से कुछ मुख्तलिफ है। इस किताब को इस अंदाज में लिखा गया है कि वो घर और स्कूल दोनों जगह काम आए। मैंने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि हम सबको मिलकर नई रिवायात कायम करने की जरूरत है। इस किताब पर लोगों का रद्दअमल काफी मुस्बत है। मैंने दर हकीकत इस शोबे में गुज़श्ता 10 बरसों के दौरान इस तरह की कोई जामे और सही मानों में अच्छी किताब नहीं देखी जो बच्चों के और खास तौर पर थोड़े बड़े बच्चों के लिए लिखी गई हो। एक दिलचस्प और प्यारी सी कहानी सुनाकर ऑटिज्म के बारे में लोगों में आगही बढ़ाने की ये कोशिश रुकावटें दूर करने और ह्यूगो और इस जैसे दूसरे बच्चों की जिंदगियों को आसान बनाने की जानिब पहला कदम हो सकता है। फैजा अलमसरी के साथ सादिया असद, उर्दू VOA। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान, एजुकेशन या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो,
तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी. View 360 सिर्फ आज न्यूज पर. लाहौर का मारूफ क्लासिकल म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा सचल एंसेंबल इन दिनों अमरीका में है. उनकी न्यूयॉर्क परफॉर्मेंस कितनी शानदार रही बता रहे हैं अंशुमन आप्टे. मौसीकी को जो पसंद करते हैं लोग अमेरिका में उनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था ये. और शर्मीन अबैद चुनोय जो दो मरतबा ऑस्कर अवार्ड जीत चुके हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के लिए, उन्होंने भी इस सचल एंसेंबल पे डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है. बिल्कुल सारा. और हमने देखा कि अमेरिकन फिल्मकार भी उनके साथ परफॉर्म कर रहे थे और इसी तरह अमेरिकन मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उन्होंने भी इनके पास विजिट्स के दौरान इनको हाईलाइट किया और इनके परफॉर्मेंसेस को अमेरिकन ऑडियंस तक भी पहुंचाया है. बिल्कुल, ये था हमारा आज का व्यू 360. आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा. अपनी राय और तजावीज आप हमसे फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं. एड्रेस है facebook.com/voaurdu और ट्विटर पर हमसे रابطے के लिए हमारा हैंडल है @urduvoa. सारा ज़मान और साकिब अल इस्लाम को इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज़.